जब सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल करी उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आया तो कहा गया कि जी अगली चार्जशीट में आएगा। फिर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम नहीं आया तो कहा गया कि नहीं नहीं ईडी की चार्जशीट में आएगा। फिर ईडी ने भी अपनी चार्जशीट फाइल करी, ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आया। 6 दिन से उनको सीबीआई की कस्टडी में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक झूठा कन्फेशन साइन करें। ये बात मनीष सिसोदिया जी ने खुद कल ट्रायल कोर्ट के सामने अपने शब्दों में रखी। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की 2 सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियां सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट तथा कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पिछले 1 साल में इन दोनों एजेंसियों के मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 10,000 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट सीबीआई और ईडी द्वारा दाखिल हो चुकी है। 50 घंटों से ज्यादा की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर, उनके ऑफिस पर, उनके लॉकर पर, उनके पैतृक गांव पर हो चुकी है। हजारों घंटों की इन्वेस्टिगेशन, 500 अफसरों का पूरा समय, 50 घंटे से ज्यादा की मनीष सिसोदिया जी पर रेड, लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी वो मनीष सिसोदिया जी पर साबित नहीं कर पाए हैं। जब सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल करी उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आया तो कहा गया कि जी अगली चार्जशीट में आएगा। फिर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम नहीं आया तो कहा गया कि नहीं नहीं ईडी की चार्जशीट में आएगा। फिर ईडी ने भी अपनी चार्जशीट फाइल करी, ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आया। क्यों नाम नहीं आया? नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई के पास नहीं है, ईडी के पास नहीं। लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया। किसी सबूत के आधार पर नहीं अरेस्ट किया गया, किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर नहीं अरेस्ट किया गया, एक झूठे नॉन कोऑपरेशन को आधार बनाकर उनको अरेस्ट किया गया। और अब जब 6 दिन से उनको सीबीआई की कस्टडी में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है, तो अब उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक झूठा कन्फेशन साइन करें, कि वो एक कबूलनामा साइन करें। क्यों? क्योंकि आज भी सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, तो वो पुलिस कस्टडी को इस्तेमाल कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, उनको मेंटली हरास करने के लिए, और उनसे झूठे कबूलनामे यानी एक फॉल्स कन्फेशन पर साइन कराने के लिए पुलिस कस्टडी का सीबीआई इस्तेमाल कर रही है। ये बात मनीष सिसोदिया जी ने खुद कल ट्रायल कोर्ट के सामने अपने शब्दों में रखी। उन्होंने जज साहब को बताया
कि उन्हें किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से मेंटली हरास किया जा रहा है। और इस बात का जज ने खुद संज्ञान भी लिया और सीबीआई को कहा कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं कि देखिए, आप केंद्र की सरकार में हैं, आज आपके हाथ में सीबीआई, ईडी, ये सारी एजेंसियां हैं, और आपके पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया जी को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार भी कर लिया है। ये आपकी पावर है, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि आज पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह से वो इंसान जिसने दिल्ली के लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है, आज से झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। आज पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह से उस व्यक्ति ने जिसने पूरी दिल्ली में, पूरे देश में एक शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। हम तो ये कहानियां सुनते थे कि पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर होता है, दबाव बनाया जाता है, फॉल्स कन्फेशन साइन करवाया जाता है, लेकिन अगर आज ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ हो सकता है, तो आज ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है कि ये कस्टोडियल टॉर्चर फिर इस देश में किसी के साथ भी हो सकता है।